फ्लोराज किचन की तरफ से आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं माता जी की तस्वीर बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। ये ग्लास पर बनाई गई है, जो ग्लास होते हैं ग्लास पे पेंट किया गया है और बहुत खूबसूरती से इसको सजाया गया है अपने आर्ट से। इसके साथ ढोल भी बनाया गया है, जो ढोल नगारे होते हैं वो भी अच्छी तरह से बनाया गया है। मतलब इसको दर्शाया गया है कि नवरात्रि इस तरह से मना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं मेरे साथ आज का सफ़र। सबसे पहले ग्लास के ऊपर जो मोल्ड आता है वो लगा दिया है, पेपर टेप से चिपका दिया है, उसमें कलर फिल किया है। आप चाहो वो कलर लगा सकते हो। कलर होने के बाद आप नीचे से पेपर टेप हटा दें। ऐसे देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन बन चुकी है। ऐसे ही करके आप और भी बना सकते हो। यहाँ पर ग्लास के ऊपर माता जी की फोटो बनाई गई थी, हाथ से सबसे पहले स्केच किया गया था, उनको डिज़ाइन दी गई थी। अब आर्टिस्ट जो है अपनी आर्ट से ही इसका फेस बनाएंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको लुक देंगे। तो इस तरह से पूरा लुक दे देंगे फेस का। माता जी का फेस बन चुका है, आखिरी में बिंदी लगाएंगे। अब माता जी की फोटो को फाइनल लुक देने के लिए इन्होंने यूज किया है स्पंज, राउंड सा स्पंज है, उसको दो टुकड़ों में काट दिया था और इसमें वाइट कलर डिप करके इसको बस प्रेस कर रहे हैं ग्लास पेंटिंग पर, ताकि माता जी का पूरा श्रृंगार है वो अच्छे से दिख पाए। और फाइनल लुक देने के लिए वो अपनी थोड़ी सी आर्ट भी इसमें डाल रहे हैं, जिससे इसका लुक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी ग्लास पेंटिंग माता जी के पिक्चर वाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आखिरी में उनके ब्लैक कलर से बाल बनाएंगे। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ स्केच किया गया है। ग्लास की पेंसिल अलग आती है, उससे हल्का सा इसको लुक दिया गया है। उसके बाद आर्टिस्ट अपनी ही आर्ट से बहुत अच्छी तरह से इसको कलर दे रहे हैं। बीच में जो खाली पोर्शन है उसमें भी डिजाइन करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और बहुत अच्छी तरह से इसको कलर दे रहे हैं। ये डिजाइन अपने ही आर्ट से बना रहे हैं, कोई भी स्केच इसमें नहीं किया गया है, सिर्फ कलर लेके ही इसको आर्ट दिया गया है। और आखिरी में इसको और डेकोरेट करेंगे, थोड़े थोड़े से डॉट्स लगा देंगे हर तरह इस तरह से, ताकि इसकी डिजाइन प्रॉपर हो जाए। यहाँ पर फाइनल लुक देने के लिए ढोल में अच्छी तरह से इसको आउटलाइन दी जा रही है। आउटलाइन खींचना बहुत ही जरूरी है, कोई भी डिजाइन में आप आउटलाइन खींचेंगे तो इसका जो है ना शेप और जो इसका डिजाइन है वो निखर के बाहर आएगा। तो आउटलाइन खींचना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आउटलाइन हमारी ब्लैक कलर की तैयार हो चुकी है। अब आखिरी में इसको ऊपर से भी आउटलाइन दे देंगे, ताकि इसका लुक निखर के बाहर आए। इसमें थोड़ी सी और एक आध लाइन डाल के थोड़ी सी डिजाइन कर लेंगे। कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आखिरी में ये रेडी हो चुका है। अब ऊपर की ड्रॉ करते हैं। एक लेडी बना रहे हैं दांडिया रास के लिए। इसको थोड़ा सा शेप देने के लिए पेंसिल की सहायता से इसकी थोड़ी सी आर्ट बना रहे हैं, ताकि इसका फेस अच्छे से देख पाए और वो कलर अच्छे से फील कर पाए। तो ये बन चुकी है, अब इसमें कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर स्किन कलर लिया गया है। अब आखिरी में इसको अच्छे से टचअप कर लेंगे और इनके जो कलर है वो भी अलग से बना लेंगे और हमारी पेंटिंग बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल लुक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसको डेकोरेट किया गया है अपनी आर्ट से, कलर थोड़े फील करके बिल्कुल अच्छा सा नवरात्रि का लुक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको लुक कैसा लगा, ग्लास पेंटिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। माता रानी आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे और एकदम हेल्दी रखे। आपका पूरा साल मंगलमय रहे, ऐसी शुभकामना के साथ मैं फ्लोरा आपसे फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को।